नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन टूटने के बाद पहली बार बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बोले हैं। अमित शाह ने शिवसेना पर निशाना साधते हुए कहा कि जब चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी और मैंने रैलियों में कहा था कि चुनाव जीतने के बाद देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे, तब तो किसी ने आपत्ति नहीं जताई थी, लेकिन अब शिवसेना नई मांगों के साथ आ गई है तो वो हमको मंजूर नहीं है। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद बुधवार को सियासी गहमागहमी तेज हो गई है। शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे और कांग्रेस नेताओं के बीच बैठक खत्म हो गई है। 50 मिनट तक चली बैठक के बाद बाहर निकले उद्धव ठाकरे ने कहा कि बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई जो सही दिशा में हुई है और सही समय पर फैसला हो जाएगा, लेकिन क्या चर्चा हुई इस पर उन्होंने पत्रकारों को बताने से इनकार कर दिया। उधर एनसीपी ने कहा है कि नए साल में महाराष्ट्र में नई सरकार बनेगी। बता दें कि कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद कांग्रेस और शिवसेना के बीच बातचीत शुरू हुई है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है। अब मुख्य न्यायाधीश का ऑफिस भी सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ नियम भी जारी किए हैं। फैसले में कहा गया है कि सीजेआई ऑफिस एक पब्लिक अथॉरिटी है, इसके तहत ये आरटीआई के तहत आएगा। हालांकि इस दौरान दफ्तर की गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कर्नाटक के अयोग्य ठहराए गए सभी 17 विधायक कल गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने यह सूचना दी है। बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट ने सभी 17 विधायकों को अयोग्य तो माना, लेकिन साथ ही राहत देते हुए चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी, जिसके बाद कर्नाटक में 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव में ये विधायक हिस्सा ले सकते हैं। जेएनयू के छात्रों के विरोध प्रदर्शन ने सरकार को झुकने को मजबूर कर दिया है। मोदी सरकार ने आखिरकार बढ़ी हुई हॉस्टल फीस वापस ले ली है। साथ ही गरीब छात्रों को आर्थिक सहायता देने के लिए भी एक योजना प्रस्तावित की गई है। इसकी जानकारी एचआरडी मिनिस्ट्री ने ट्वीट कर दी। झारखंड में बीजेपी से अलग लड़ने का फैसला करने वाली रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी ने 5 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। एलजेपी 81 सीटों में से 50 सीटों पर लड़ने जा रही है। इससे पहले एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा था कि उन्होंने बीजेपी से 6 सीटों की मांग की थी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए हमारी पार्टी अकेले ही लड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को लेकर केजरीवाल सरकार की खिंचाई की है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए सरकार ने थोड़े बहुत निर्णायक प्रयास किए हैं, लेकिन अब समस्या के समाधान के लिए कुछ बड़े उपाय तलाशने होंगे। पूरा उत्तरी भारत NCR वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ऑडिवन लागू किए गए दिन से 14 नवंबर तक का वायु गुणवत्ता का आंकड़ा भी मांगा है। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर और रफाल रिव्यू पर सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाएगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच गुरुवार को 10:30 बजे अपने फैसले को सुनाएगी। बता दें, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, उससे पहले ही बड़े मामलों पर फैसला सुना रहे हैं। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के लिए नई उम्मीद की खबर आ रही है। पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले के आधार पर जाधव को सिविल कोर्ट में अपील का मौका दिया जाएगा। यादव ये अपील कर सकें, इसके लिए सैन्य कानूनों में बदलाव भी किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन, भारत और रूस जैसे देश अपने देश की औद्योगिक फैक्ट्रियों और बाकी संयंत्रों का कचरा समुद्र में छोड़ते हैं, वही लॉस एंजलिस में तैरता हुआ दिखता है। ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन को बहुत जटिल मुद्दा बताया और कहा कि वो खुद को एक पर्यावरणविद मानते हैं, कोई माने या ना माने। उन्होंने कहा कि वो ग्रह पर स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी चाहते हैं। आज रुपए में डॉलर के मुकाबले काफी गिरावट देखी गई। दिन में हुए कारोबार में रुपया 57 पैसे तक गिरकर $1 के मुकाबले 72.04 पर पहुंच गया। वहीं दिन के अंत में रुपया 71.47 पर बंद हुआ। रुपए में गिरावट देश की खराब आर्थिक हालात के कारण देखने को मिल रही है। गुरुवार को भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। मैच सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा, लेकिन इस मैच से ज्यादा चर्चा कोलकाता में गुलाबी गेंद से होने वाले मैच की हो रही है। कोलकाता में 22 नवंबर से खेला जाने वाला मैच दोनों देशों के बीच पहला दिन रात टेस्ट मैच होगा। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।